कटनी प्रबल सृष्टि जनपद पंचायत कटनी के द्वारिका भवन में सोमवार को 42 दिव्यांगों को मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल प्रदान की गई। जैसे ही दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल मिली, उनके चेहरों में खुशी देखने को मिली। कार्यक्रम सामाजिक न्याय विभाग द्वारा आयोजित किया गया था, जिसमें एरिकॉन व एलिमको के सहयोग से दिव्यांगजनों को उपकरण प्रदान किए गए। कार्यक्रम में अतिथि के तौर कलेक्टर प्रियंका मिश्रा मौजूद रहे और उन्होंने दिव्यांगों को उपकरण प्रदान करने के साथ ही शासन की योजनाओं को भी जानकारी दी। कार्यक्रम के दौरान 20 लाख रुपए के विभिन्न उपकरण दिव्यांगों को कलेक्टर व एरिकॉन के अधिकारियों ने भेंट किए। 177 दिव्यांगों को प्रदान की गई ट्राईसाइकिल कार्यक्रम के दौरान एरिकॉन द्वारा CSR मद से उपलब्ध कराई गई सहायता राशि से जहां 42 दिव्यांगों को मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल प्रदान की गई, तो वहीं 177 लोगों को ट्राईसाइकिल, 88 दिव्यांगों को श्रवण यंत्र, 88 लोगों को व्हीलचेयर, 174 को वैशाखी, 116 लोगों को वॉकिंग स्टिक सहित 61 नग कृत्रिम अंग, कैपियर व अन्य सहायक उपकरण प्रदान किए गए। सरकार के माध्यम से कुछ न कुछ सामाजिक कार्य किया जाता है। इस वर्ष हम लोगों ने कटनी में ये डिसाइड किया था कि विकलांग भाइयों और बहनों को, दिव्यांग भाइयों और बहनों को कुछ उनके जीवन के लिए सुविधाजनक बनाने हेतु कुछ वितरण किया जाए, तो इस बार मोटराइज साइकिल हम लोगों ने वितरण कराया है और DM साहब के नेतृत्व में ये सफलतापूर्वक हुआ है। तो इसके लिए आप लोगों को भी बधाई और दिव्यांग भाइयों के लिए बधाई। इसके पहले भी हम लोगों ने 10,000 पेड़ लगाने का काम किया है यहाँ पर, ये कटनी में ही, जो ये जो जागृति पार्क में हम लोगों ने 10,000 पेड़ लगाने का कार्य किया है। आपका जैसा का ये ब्रिज का काम चल रहा है, ब्रिज निर्माण में तो हजारों पेड़ काटे गए थे। नहीं, 1,000 पेड़ काटे गए हैं, 1,082 पेड़, उसके जगह पर एक नॉर्म्स के हिसाब से 10,000 पेड़ लगाए गए हैं, 10 गुना। तो वो 10,000 पेड़ लगाए गए हैं, अभी पेड़ छोटे छोटे हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद आप देखेंगे कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी कटनी जिले के लिए, 10,000 पेड़ जब अपने पूरे तैयार हो जाएंगे। आज यहाँ द्वारिका भवन में एरिकॉन इंटरनेशनल और एलिमको के संयुक्त प्रयासों से दिव्यांग जन उपकरण वितरण कार्यक्रम रखा गया था। मैं दोनों ही संस्थाओं को के जनरल मैनेजर्स को बहुत बहुत बधाई देता हूं और क्षेत्र के माननीय सांसद श्री BD शर्मा जी के प्रयासों से लगातार इस क्षेत्र में हम लोग कार्य कर रहे हैं। अभी तो केवल नगर निगम में वितरण हुआ, इसी प्रकार से अभी ब्लॉक में होगा और भी दिव्यांग जन के क्षेत्र में जो अन्य पहलू हैं, खासकर रोजगार, बैकलॉग की भर्तियाँ और जो बसेज हैं या ऑटो है, उसमें भी एक डिमांड रहती है कि जो छूट मिलनी चाहिए, उसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं कि एक बार बैठ के सभी देखें कि क्या नियम है और क्या छूट उनको मिल सकती है, उनकी पढ़ाई लिखाई, उनकी पेंशन, इन सभी बिंदुओं पे हम काम कर रहे हैं और आने वाले समय में निश्चित रूप से ही सामाजिक न्याय के दृष्टिकोण से हम और अच्छा करेंगे।